अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ढाबा मटन मसाला, जो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हाफ के जी हमने बॉयल मटन लिया है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, गोश्त को बॉईल करते हुए भी हमने नमक ऐड किया था, 1 कप दही ऐड करेंगे इसमें, और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह हमने गोश्त को मसाले में मिक्स कर लिया है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम इसकी बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 4 अदद प्याज लिए हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है, टमाटर लिए हैं जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जुलियन कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, 4 लौंग, 1 से 2 स्टिक दालचीनी की, 1 बादियान का फूल, 4 छोटी इलायची। कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें साबुत मसाला डालेंगे, 1-2 मिनट इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, इसे 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये, आप इसे अपने घर में ट्राई करें। दस मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे स्लो आंच पे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। दस से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका कवर उठाते हैं। अब इसे हिलाते हैं अच्छी तरह। टमाटर नरम हो चुके हैं, टमाटर मसाले में अच्छी तरह हल हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ढाबा मटन मसाला तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। फ्लेम बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ढाबा मटन मसाला तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फ्लेम बंद कर देंगे। सालन को हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम थोड़ा सा अदरक इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डालेंगे,
हमारा ढाबा मटन मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।